रामनगरी अयोध्या जनपद में NH-27 पर थाना पटरंगा के रानी मऊ के पास चलती डबल डेकर टूरिस्ट बस में आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। ड्राइवर की सूझबूझ से सभी यात्रियों को सकुशल बाहर निकाला गया। जब तक पुलिस को सूचना होती, फायर ब्रिगेड दस्ता मौके पर पहुंचती, तब तक बस पूरी तरह जल चुकी थी। डबल डेकर टूरिस्ट बस पंजाब के जालंधर से बिहार के पुरिया जा रही थी। बताया जाता है कि एसी में शॉर्ट सर्किट के बाद बस में अचानक आग लग गई, जिसके बाद ड्राइवर व क्लीनर ने सभी यात्रियों को सकुशल बाहर निकाला। सभी यात्री सुरक्षित हैं और अयोध्या जिला प्रशासन ने अन्य साधनों से सभी यात्रियों को बिहार के पुरिया रवाना किया। थाना पटरंगा क्षेत्र में नेशनल हाईवे पे बीती रात लगभग 11:30 बजे एक यात्री बस जो जालंधर से चलकर आ रही थी और पूर्णिया की तरफ जा रही थी, जिसपे लगभग 90 लोग सवार थे, बस में अचानक किसी कारणवश आग लगी। परंतु तत्काल पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग बुझाई, आग पे काबू किया और साथ ही साथ इंश्योर कराया कि किसी भी तरह की जनहानि इसमें न हो, कोई भी व्यक्ति इसमें हताहत नहीं हुआ। यात्रियों को विभिन्न माध्यमों से उनके गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान कराया गया।